पानी दो बिजली दो, आज धरना होगा। कराची में मजार एकाई पर पीपल्स पार्टी के धरने की तैयारियां, पंडाल सज गया, बैनर्स लगाए, धरने में पार्टी की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। सेनेटर सईद गनी कहते हैं इमरान खान पैसे की ऑफर करने वाले का नाम बताएं, जीआईटी बनाने के मुखालिफ हैं। खिलाड़ी लगाएंगे जुमे को, इस्लामाबाद में मैदान, आज एनओसी जारी होने का इम्कान। पीटीआई के मुंतजमीन से पुरम रहने का बयान, हल्फी लेने के बाद तहरीरी इजाजतनामा जारी होगा। जलसे के लिए 2000 से जायद अहलकार तैनात करने का फैसला। न्यूज लीक्स रिपोर्ट आज वजीर आजम के सामने पेश की जाएगी, मंजूरी के बाद सिफारिशात को सामने लाया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक तफसीली जायजे से पहले तबसरा नहीं किया जा सकता, चंद अनासिर खबर को मखसूस जाविया दे रहे हैं। न्यूज गेट स्कैंडल पर छोटे सरकारी मुलाजिम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं, अपोजिशन को गो नवाज गो तहरीक में तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। पनामा लीक्स में जीआईटी की तश्कील में वजारत खजाना का अमल दखल नहीं, वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं स्टेट बैंक और एससीसीपी बाख्तियार इदारे हैं, इन इदारों के किसी रुकन का नाम वो फाइनल नहीं करेंगे। डॉन लीक्स की रिपोर्ट कैसे लीक हुई इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पनामा लीक्स पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश हुई, इमरान खान ने नया इंकशाफ कर दिया, कहते हैं उन्हें इतनी पेशकश हो सकती है तो बाकी इदारों को कितनी ऑफर्स हुई होंगी। जिन इदारों ने तहकीकात करनी है वो सब वजीर आजम के मातहत हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान के दावे को झूठ करार दे दिया। पार्लियामेंटेरियन की मराहत मजीद बढ़ाने का फैसला, ताहियात पेंशन और इंश्योरेंस बिल भी तैयार, कौमी खजाने पर सालाना 3 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सिंध के 14 महकमों में 117 अरब की करप्शन और माली बेजाबतगियों का इंकशाफ, रोजनामा 92 न्यूज में खसूसी रिपोर्ट शामिल। कोयटा के इलाके कचलाक में सिक्योरिटी फोर्सेस का मकान पर छापा, फोर्सेस और शरपसंदों के दरमियान 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला, मुल्जिम फरार, सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज, दरख्वास्त गुजारों की तादाद 3 लाख से तजावज कर गई, बैंकों में अब तक 3,13,619 दरख्वास्तें वसूल हुई, कुरानदाजी 28 अप्रैल को होगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 आजमीन हज फरीजा हज अदा करेंगे। गोटकी में तालिबात की गिरफ्तारी के खिलाफ असातिज़ा और तालिबात का एहतजाज, 12वीं जमात के पेपर का बॉयकॉट कर दिया, तालिबात की एहतजाज रैली, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी, सिर्फ 32 रन के हदफ के ताकुब में 3 विकेटें गवा दी, अहमद शहजाद 6, अजहर अली 1 और यूनुस खान 6 रन बनाकर आउट, मिसबॉल हक ने 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर फतह समेटी, यासिर शाह मैन ऑफ द मैच। भारत का स्कॉश प्लेयर्स को वीजे न देने का मामला, पाकिस्तान का वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन और एशियन स्कॉश फेडरेशन को खत, वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन से भारत के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया, खत में कहा गया है कि भारत के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो आलमी बॉडीज के इजलासों में एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान ने रोजनामा 92 न्यूज कराची एडिशन की अशात को सहाफत में ताजा हवा का झोंका करार दे दिया, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और दीगर रहनुमाओं ने बहादुराबाद कराची में रोजनामा 92 की खुशी में केक भी काटा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर में बाज मकामात पर हल्की बारिश होगी। तीन रोज बाद पाकिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशगोई। रियासत न्यू जर्सी में 600 साल कदीम दरख्त को बिलाखिर काट दिया गया। माहिरीन के मुताबिक दरख्त अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, इसकी जगह अब नया दरख्त लगा दिया गया। कदीम दरख्त की ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा थी।